नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ क्यू में, जहां हम लेकर आते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बेहतरीन जानकारियां और ढेर सारे उपयोगी घरेलू नुस्खे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हल्दी वाला दूध पीने से हो सकती हैं ये 5 बड़ी परेशानियां, नाम जानकर दोबारा नहीं लगाएंगे हाथ। औषधि गुणों से भरपूर हल्दी दूध के कुछ नुकसान भी होते हैं, जिसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम आपको इसके 5 साइड इफेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बाद आप हल्दी और दूध के साथ में पीने से थोड़ी सावधानी बरतेंगे। चोट लग जाए, सूजन हो या कोई दर्द, घर के बड़े बुजुर्ग इससे निजात पाने के लिए एक चीज पीने की सलाह जरूर देते हैं, वो है हल्दी का दूध। फर्स्ट एड के नाम पर घर में इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है। इसकी हीलिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए लोग इसके सेवन पर जोर देते हैं। लेकिन औषधि गुणों से भरपूर हल्दी के दूध के कुछ नुकसान भी पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। प्रेगनेंसी में कम खाएं। गर्भवती महिला को भी हल्दी का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, इससे गर्भपात की समस्या हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लीवर होगा कमजोर। दूध और हल्दी के ज्यादा सेवन से लीवर भी कमजोर पड़ सकता है। अगर आपका लीवर पहले से ही कमजोर है तो इन दोनों को साथ में लेने से बचें, क्योंकि दोनों की तासीर गर्म होती है, जो पेट के लिए लीवर के लिए हानिकारक है। पेट की समस्या। प्रतिदिन केवल 1 टीस्पून हल्दी का सेवन करने की सलाह एक्सपर्ट देते हैं, इससे अधिक पेट संबंधी समस्या को बुलावा देते हैं। जिनको पथरी की समस्या है उनको खास तौर से सीमित मात्रा में खाना चाहिए। दरअसल हल्दी में ऑक्सलेट मौजूद होता है, जो कैल्शियम को घुलने नहीं देता है, जिससे किडनी में स्टोन के केसेस सबसे ज्यादा आते हैं। बहुत से लोग सर्दी जुकाम या कोई चोट लगने पर हल्दी दूध का सेवन करते हैं। उनको गर्मी के मौसम में ये घरेलू उपाय अपनाने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि यह परेशानी ठीक करने के बजाय बढ़ा देगी। डायबिटीज में ना खाएं। हल्दी का सेवन ज्यादा करने से उल्टी व दस्त की समस्या भी पैदा हो जाती है, इसलिए सीमित मात्रा में ही खाएं। डायबिटीज रोगियों के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। हल्दी की तासीर गर्म होती है, जिससे नाक से खून आने की भी आशंका बढ़ जाती है। शरीर के किसी अन्य हिस्से से भी खून आ सकता है। जरा सी भी लापरवाही आपको बड़ी समस्या में डाल सकती है। एक जरूरी बात, जब भी कोई फेस पैक लगाए जिसमें हल्दी मिली हो तो ज्यादा देर चेहरे पर लगाकर ना रखें, वरना चेहरा पीला पड़ सकता है। पीलिया में करें परहेज। जिनके शरीर में आयरन की कमी है वह हल्दी का प्रयोग करने से बचे, क्योंकि हल्दी आयरन को अच्छे से अवशोषित नहीं करने देती है। वही पीलिया के रोगियों को तो इसका सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बेहतरीन और उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी शारीरिक समस्या यानी समाधानों के बारे में जानना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।